हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने 8th क्लास की फर्स्ट पॉइंट दी एंट एंड दी क्रिकेट लेकर आया हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और बिना देर किए हुए अपन लेसन शुरू करें, लेकिन उसके पहले वर्ड मीनिंग्स। फेबल मीन्स कल्पित कथा, करेक्टर्स पात्र, कन्फेज देता है, मॉरल सदाचार, सिग्निफिकेंस महत्व, सिली मूर्ख, अकस्टम्ड अभ्यस्त होना, स्प्रिंग बसंत, कंप्लेन शिकायत करना, कपबोर्ड अलमारी, क्रम निवाला, स्टावेशन भूख, फेमाइन अकाल, ड्रिपिंग टपकते हुए, ट्रेमलिंग कांपते हुए, माइजरी कंजूस, ग्रांट स्वीकार करना, शेल्टर शरण, माउथफुल मुंह भरकर, बोरो उधार लेना, रिपे चुकाना, वेदर मौसम, कोत कहा, गे आनंदपूर्ण, हेस्टिली जल्दी से, विकेट छोटा दरवाज़ा, फॉक्स लोग, वारंट मानना। आइए लेसन शुरू करें। ए फेबल इज ए स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज ए मॉरल। एक कल्पित कहानी सामान्य रूप से यानी अक्सर जानवरों के साथ, पात्रों के साथ होती है, जो एक नैतिक या नीति बताती है। दिस पोइम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस विच इज एज ट्रू ऑफ ए 4-legged क्रिकेट एज ऑफ ए 2-legged वन। चीटी और क्रिकेट के बारे में इस कविता में दूरगामी महत्व का विचार है, जो कि 4 पैरों वाले क्रिकेट यानी झिंगुर के बिल्कुल सटीक है। निश्चित रूप से यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज 4 legs। निश्चित रूप से या विश्वसनीय रूप से आपने एक झिंगुर देखा है जिसके 2 पैर होते हैं। ए सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग थ्रू दी वार्म सनी मंथ्स ऑफ ए गे समर एंड स्प्रिंग। एक मूर्ख युवा झिंगुर था जिसे ग्रीष्म और बसंत के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु के आनंददायक और धूप भरे गर्म महीनों में गाने की आदत थी। लेकिन बिगिन टू कंप्लेन, वो शिकायत करने लगा When he found that at home his cupboard was empty, जब उसे घर पर लगा कि एक उसकी आलमारी खाली थी। And winter was come, और सर्दी आने वाली थी, यानी सर्दी आ गई थी ये भी कह सकते हैं हम। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, उसे बर्फ से ढकी हुई भूमि पर एक भी निवाला मिलने वाला नहीं था। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, ना वो कोई फूल ही देख सकता था। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, ना ही वृक्ष पर कोई पत्ती देख सकता था। ओ व्हाट विल बिकम, ओ क्या होगा, सेज द क्रिकेट ऑफ मी, झिंगुर कहता है कि मेरा क्या होगा। इट लास्ट बाई स्टार्वेशन एंड फमाइन मेड बोल All dripping with wet and all trembling with cold. अंत में भूख व अकाल ने उसे साहसी बना दिया। All dripping with wet, गीलेपन से पूरी तरह टपकते हुए, and all trembling with cold, और ठंड से पूरी तरह कांपते हुए, away he set off to a miserly aunt, वह दूर कंजूस स्वभाव वाली एक चींटी की तरफ चल पड़ा। टू सी, ये देखने के लिए कि इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि वह क्या वो चीटी उसे जिंदा रखने के लिए, वर्षा से बचने के लिए उसे शरण दे देगी। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, या और मुंह भर अनाज दे देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो केवल उधार लेना चाहता था। ही वुड रिपीट टुमारो, और वो उसे आने वाले कल में पुनः चुका देगा। इफ नॉट,
और यदि ऐसा नहीं हुआ ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो, तो वह भूख व दुख से निश्चित रूप से मर जाएगा। सीज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। चीटी झिंगुर से कहती है कि मैं तुम्हारी सेवक और मित्र दोनों हूँ, बट वी आंट्स नेवर बोरो, परंतु हम चीटियाँ कभी उधार नहीं लेती। वी आंट्स नेवर लैंड, और हम चीटियाँ कभी उधार नहीं देती। बट टेल मी डियर क्रिकेट, परंतु प्रिय झिंगुर कृपया मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाई वैन दी वेदर वाज वार्म। किंतु प्रिय झिंगुर मुझे बताओ कि जब मौसम गर्म था तो क्या तुमने कुछ नहीं बचाया। कोद द क्रिकेट, झिंगुर ने कहा, नॉट, नहीं। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट। मेरा मन इतना चंचल था कि मैं दिन और रात गाना गाता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि सारी प्रकृति मुझे आनंददायक दिखती थी। यू सेंग सर, यू से, चीटी कहती है, श्रीमान आप क्या कहते हो, आपने गाना गाया। गो देन, तब जाओ, सेज द आंट। चीटी कहती है, तब जाओ एंड डांस द विंटर अवे, और नाच नाच कर सर्दी को दूर करो। दस एंडिंग ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट। इस प्रकार अपनी बात को समाप्त करते हुए वह शीघ्रता से छोटा दरवाजा उसने उठा लिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस बेचारे झिंगुर को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फॉग कॉल्स दिस इज ए फेवल, फॉग कॉल्स दिस ए फेवल, लोग इसे नीति कथा कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं इसे सच्ची मानूंगा। सम क्रिकेट्स हैव फोर लैग्स, कुछ झिंगुरों के चार पैर होते हैं, यानी कुछ झिंगुर चार टांगों वाले होते हैं। एंड सम हैव टू, और कुछ दो पैर वाले होते हैं। तो ये पोइम हमारी यहाँ समाप्त होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई चीज़ के साथ, नए टेक्स्ट के साथ या पोइम के साथ। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.